आई लव स्पा एंड आई थिंक पहले ये एक लग्जरी मानी जाती थी बट अब ये नेसेसिटी है हम सब के लिए. एंड आपको लगता है कि आपने इतना काम कर लिया आप थक जाते हैं और वही एवरी डे सर्किल चलता है, तो आप अगर एक हफ्ते स्पा में जाएंगे, कंट्री स्पा में जाएंगे, तो आप रिजुवनेट फील करके वापस आते हैं. सो दैट इज़ वॉट अ स्पा इज़ नीडेड फॉर. कुछ नहीं करती, अपनी एक छोटी सी 3 साल की बेटी है उसके पीछे घूम घूम के गिर जाती हूँ रात को. बस अमेरिका है और लंदन है, उनके पास कोई नेचुरल थेरेपी नहीं है जो हमारे पास है. वी यूज़ सिंपल थिंग्स लाइक ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल, एंड वी कैन डिस्ट्रेस यू विद दैट. आई डोंट थिंक वो लोग इन चीज़ों में इतना विश्वास रखते हैं या फिर इस चीज़ से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि आजकल मिडिल क्लास भी स्पास जा रहे हैं, सैलॉन्स जा रहे हैं. पहले एक लड़का सैलॉन में बैठा हुआ बहुत अजीब लगता था, और आज अगर वो नहीं जाता तो लोग कहते हैं कि व्हाई यू लुकिंग लाइक अ भालू, तुम स्पा नहीं जाते, कम से कम अपने मैनिक्योर पेडिक्योर तो कराया करो, बाल तो ठीक से कटाया करो. तो आजकल उन लोगों पर हंसी आती है जो नहीं जाते, उन लोगों पे लोग नहीं हंसते जो जाते हैं. कंट्री क्लब इज़ द फर्स्ट क्लब जिन्होंने क्लब शुरू करे पूरे देश में, जहाँ पे कोई भी जा सकता था अगर वो मेंबरशिप दे सकता है अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में, मतलब रेस्टोरेंट्स में, यू नो, यू कुड बी अ मेंबर. देयर वाज नो स्नॉबरी इन इंडियन कंट्री क्लब, एंड आई थिंक ही वाज एबल टू डू दैट टू द एंटायर कंट्री, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द स्पास एज़ वेल. दे आर गोइंग टू बी अफोर्डेबल टू द मिडिल क्लास.